नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन रोजगार से जुड़े समाचार मिलेंगे, जहां से आप रोजगार के लिए आवेदन भी भर सकते हैं। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अब सरकारी स्कूल के 13 लाख छात्रों को मिलेगा डिजिटल कक्षा का लाभ। आज हो गया मुंगेर पुल का लोकार्पण। बिहार में जल्द ही खुलेंगे 9 सैनिक स्कूल। बिहार में गंगा किनारे बसे सभी गांव में ड्रोन से होगी कार्रवाई। पटना पायरेट्स ने लगाया जीत का पंच। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब सरकारी स्कूल के 13 लाख छात्रों को मिलेगा डिजिटल कक्षा का लाभ। बिहार में अब सरकारी स्कूल के छात्रों को जल्द ही डिजिटल कक्षा का लाभ मिलने वाला है, जिसके बाद ये छात्र घर बैठे बैठे किसी भी समय अपनी पढ़ाई का काम कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसका लाभ राज्य भर के 9वीं कक्षा में पढ़ रहे 13 लाख छात्रों को होगा। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके लिए ही बिहार भर में 20 शिक्षकों की टीम का गठन भी किया गया। टीम में विषयवार शिक्षकों को रखा गया है। एक शिक्षक द्वारा संबंधित विषय के किसी भी चैप्टर का 45 मिनट का वीडियो रहेगा। इस वीडियो को स्कूल को भेजा जाएगा। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के साथ यूट्यूब चैनल पर रखा जाएगा। आज हो गया मुंगेर पुल का लोकार्पण। आज बिहारवासियों को यातायात के लिहाज से बिहार सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। लंबे इंतजार के बाद ही अब मुंगेर में बन रहे नए रेल रोड पुल का उद्घाटन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 19 साल बाद आज पुल का उद्घाटन हुआ, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। जानकारों की माने तो जैसे ही पुल का शुभारंभ हो गया, यह उस इलाके के लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाला है, जिसके बाद अब एक फायदा तो ये होगा कि मुंगेर से खगड़िया की दूरी इस पुल के चालू होने के बाद बेहद ही कम हो जाएगी। पहले पुल से खगड़िया की दूरी 154 किलोमीटर थी, जो पुल के चालू होने से घटकर केवल 25 किलोमीटर हो गई है। ज्ञात हो, इस पुल की लंबाई 3.75 किलोमीटर है। बिहार में कोरोना के दैनिक मामलों में फिर दिखी गिरावट। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 247 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1659 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 6, अरवल में 3, औरंगाबाद में 9, बांका में 0, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 4, भोजपुर में 6, बक्सर में 5, दरभंगा में 5, ईस्ट चंपारण में 7, गया में 1, गोपालगंज में 3, जमुई में 5, जहानाबाद में 3, कैमूर में 0, कटिहार में 2, खगड़िया में 0, किशनगंज में 0, लखीसराय में भी 0, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 3, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 1, नवादा में 0, पटना में 58, पूर्णिया में 25, रोहतास में 2, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 3, सारण में 8, शेखपुरा में 0, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 8, सुपौल में 12, वैशाली में 5, वेस्ट चंपारण में 12 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 3 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 150,072 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 402 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। भूमि विवाद पर गृह विभाग की होगी पैनी नजर। बिहार में भूमि विवाद के मामलों पर गृह विभाग की पैनी नजर होने वाली है। भूमि विवाद के मामलों को लेकर जल्द ही निपटारे के लिए विभाग ने अब नई व्यवस्था करने का मन बना लिया है। यही कारण है कि विभाग ने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश तक जारी कर दिए हैं। इसको लेकर गृह विभाग भी लगातार बैठक कर रहा है। इसके साथ ही वरीय पदाधिकारी को मॉनिटरिंग का काम भी सौंप दिया गया है। इसको लेकर पिछले दिनों ही गृह विभाग की तरफ से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही भूमि विवाद से जुड़े मामलों की रिपोर्ट तलब की गई। सभी जिलों को 3 महीने की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही साथ एडीजी विधि व्यवस्था को उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार में जल्द ही खुलेंगे 9 सैनिक स्कूल। बिहार में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत बिहार के उन छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो सैनिक स्कूल में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इन्हीं छात्रों के लिए राज्य के अंदर 9 सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह नए सैनिक स्कूल पीपीपी मोड में खोले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में
सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। यह सभी राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपीपी मोड में खोले जाएंगे। कुछ स्कूलों को एनजीओ के साथ करार कर भी संचालित किया जाएगा। ज्ञात हो इसको लेकर बीते दिन ही एक बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक पर यह सहमति बनी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में सैनिक स्कूल खोलने के लिए कुल 15 आवेदन मिले हैं। इनमें से 9 को सही पाया गया है और अब नए सैनिक स्कूल को खोले जाने के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिहार में आज से रात के तापमान में आएगी गिरावट। बिहार में मौसम की अटखेलियों का दौर जारी है। जहां एक तरफ बिहार में ठंड से राहत की लोग उम्मीद कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में शुक्रवार से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की उम्मीद की जा रही है। आईएमडी पटना के पूर्वानुमान के अनुसार रात का पारा गिरने से अगले एक हफ्ते तक ठंड महसूस होती रहेगी। बिहार में पछुआ और दक्षिणी पछुआ हवा चलने लगी है। इसकी वजह से अगले एक हफ्ते तक तापमान सामान्य से कम रहेगा। आईएमडी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार से एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। इसकी वजह से ही शुक्रवार को दक्षिणी पूर्वी बिहार में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि बाकी प्रदेश के एकदम शुष्क रहने की बात भी कही गई है। बिहार में गंगा किनारे बसे सभी गांव में ड्रोन से होगी कार्रवाई। बिहार में शराब के अवैध निर्माण और इसके कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों के अनुसार पटना और वैशाली के दियारा इलाके में इनके उपयोग के सराहनीय परिणाम सामने आए हैं। अब इन्हीं का विस्तार गंगा किनारे के सभी जिलों में किए जाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर पटना से लेकर भागलपुर तक के गंगा किनारे के सभी जिलों को विशेष रूप से रूट मैप बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। सभी संबंधित जिलों के एसपी से इस बात की जानकारी ली गई है। साथ ही कहा गया है कि इस बारे में सभी संबंधित जिलों से जानकारी ली जाए और अपने अपने जिलों के उन इलाकों का पूरा रूट मैप तैयार करके पुलिस मुख्यालय को भेज दे, जहां ड्रोन की मदद से छापेमारी की जा सकती है। स्मार्ट मीटर ने दिया उपभोक्ताओं को करारा झटका। बिहार में स्मार्ट मीटर और बिजली से संबंधित परेशानियों को जानने के लिए 15 जनवरी 2022 से बिहार सामाजिक अंकेक्षण की विशेष टीम और आईडीजी नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग पटना के सहयोग से जनता से राय शुमारी की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राय ली गई। इस संबंध में बिहार सोशल ऑडिट की टीम ने कुछ प्रश्नोत्तर तैयार कर एक नागरिक रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश की है। बिहार विशाल ऑडिट टीम ने इस सामाजिक अंकेक्षण में रिपोर्ट बनाने के लिए कई सवालों को प्राथमिकता दी है, जिसमें पूछा गया कि क्या आप बिहार के बिजली विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1912 से संतुष्ट है या नहीं? क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद से आपका बिजली बिल ज्यादा आने लगा है? इन्हीं सवालों को लेकर जारी किए गए रिपोर्ट को लेकर बिहार सामाजिक अंकेक्षण के सदस्य बबलू प्रकाश ने एक सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी कर कहा कि बिहार की जनता ने बिहार सामाजिक अंकेक्षण की टीम द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में स्मार्ट मीटर को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार के 2 पूर्व डीटीओ के खिलाफ ईडी ने चलाया कानून का चाबुक। बिहार में भ्रष्टाचार के मामलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत ही ईडी के पूर्व डीटीओ अजय कुमार ठाकुर और रजनीश कुमार लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अपराध दर्ज कराया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही दोनों के खिलाफ अब ईसीआईआर यानी कि इन्फोर्समेंट केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस दौरान दोनों अफसरों पर पहले ही निगरानी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की थी। नदी के पानी में कहां और कितना प्रदूषण बताएगी अब एमआईटी की मशीन। बिहार के तमाम नदियों के पानी और पानी में कितना प्रदूषण है, इसको मापना अब आसान होने वाला है। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान एमआईटी के शिक्षकों ने मोटराइज्ड वाटर सैंपल मशीन बनाई है। अब तक नदी के ऊपरी सतह से पानी का ही प्रदूषण मापा जाता है, लेकिन एमआईटी की इस मशीन से नदी की गहराई में प्रदूषण का आंकड़ा मिल सकेगा। सबसे खास बात यह है कि इस मशीन को पेटेंट करवाने के लिए इंडिया पेटेंट नाम की संस्थान को भेज दिया गया है। ये मशीन सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 3 शिक्षक डॉक्टर आकाश प्रियदर्शी, डॉक्टर आशीष कुमार और डॉक्टर अतुल कुमार राहुल ने 1 साल के परिश्रम से इसका निर्माण कर दिया है। इस मशीन की खासियत यह है कि यह पानी की अलग अलग गहराई में प्रदूषण को माप सकती है। इसके लिए इसमें सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर कितनी भी गहराई में प्रदूषण मापकर तत्काल बाहर लगे डिस्प्ले पर बता देंगे। अलग अलग गहराई पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर बढ़ाए भी जा सकते हैं। मशीन का उपयोग नदी के अलावा नहर और कुएं में भी किया जा सकेगा। पटना पायरेट्स ने लगाया जीत का पंच। प्रो कबड्डी लीग 2022 के बीते दिन खेले गए मुकाबले में पटना पायरेट्स ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की। साथ ही रोमांचक मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 26 के मुकाबले 43 पॉइंट से हरा दिया। बीते दिन खेले गए मुकाबले में जीत में रेडर गुमान सिंह की भूमिका बेहद ही अहम बताई गई है। उन्होंने सुपर 10 रेड के साथ कुल 13 पॉइंट बनाए और पटना को जीत दिलाया। पटना की तरफ से स्टार रिडम सचिन ने 6, शुभम सिंधे ने 4 पॉइंट बनाए। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन की तरफ से असलम इनामदार ने 9, रेडर मोहित गोयत ने 6 और कप्तान नितिन कुमार ने 4 पॉइंट बनाए, जिसके बाद ही पटना पायरेट्स ने यह लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। सरकार को बिना टैक्स चुकाए चल रहे हैं बिहार के अधिकांश ईंट भट्टे। बिहार में खनन कार्य से जुड़े उद्योग से रेवेन्यू वसूली में अधिकारियों की लापरवाही बरतने की जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसकी ही जानकारी अब एक एक करके सामने
लगातार आ रही है। अब तक आई जानकारी के अनुसार सूबे के अधिकतर ईंट भट्टे आम लोगों से ईंटों की बढ़ती हुई कीमत के हिसाब से वसूली करते हैं, लेकिन बात सरकार को टैक्स देने की आई तो यहां सारे पैसे हजम कर गए हैं। टैक्स चोरी करने वाले ऐसे ईंट भट्टों की संख्या एक दो नहीं बल्कि 900 अनुमान लगाई गई है कि सरकार को कितना नुकसान होगा, जिसके बाद पिछले दिनों ही खान एवं भूतत्व विभाग ने ईंट भट्टे के मद में अपने खजाने पर नजर डाली और रेवेन्यू की खोज की तो ये हैरतअंगेज कारनामा सामने आया, जिसके बाद यह विभाग के संयुक्त सचिव अंशुल कुमार ने तत्काल वसूली करने का निर्देश दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का जारी किया रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर आयोग की तरफ से 691 रिजल्ट जारी किए गए। इन छात्रों का साक्षात्कार के बाद अब फाइनल चयन किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है, जिसके बाद ही अब छात्र अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस परीक्षा के आयोजन को में 221 पदों के लिए ये किया गया था, जिसके तहत ही मुख्य परीक्षा के लिए 2230 उम्मीदवार ने परीक्षा दी थी। लालू यादव ने कभी भी समझौता नहीं करने की कही बात। बीते दिन ही राजद की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के बाद ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक के बाद एक कई बयान जारी किए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक इतिहास में मैंने कभी समझौता नहीं किया। पार्टी का इतिहास संघर्षपूर्ण रहा। हमारी अध्यक्षता में पार्टी ने बहुत सफलता प्राप्त की है। देश के किसी भी अन्य पार्टी से राजद की औकात बड़ी है। पार्टी नेताओं को हमेशा संघर्ष करने और लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज अंग्रेज ही नए रूप में देश में राज कर रहे हैं। मैंने ऐसा पीएम कभी नहीं देखा। मैं तो 3 चुनाव लड़ने से चूक गया, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने कमाल किया है। भज्जी ने की आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर भविष्यवाणी। टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मेगा आईपीएल ऑक्शन से पहले बीते दिन बड़ी भविष्यवाणी की है। हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं ईशान किशन का बहुत बड़ा फैन हूं। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी काबिलियत पर आसानी से 30 गेंदों पर 70 से 80 रन बना सकता है। वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में दिख रहा है। वो जिस टीम में भी जाएंगे वहां एक लीडरशिप का विकल्प भी देंगे। उन्होंने झारखंड की कप्तानी की है और आरसीबी उनको लेकर बड़े दांव खेल सकती है। हालांकि ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी ईशान को खरीदेगा, क्योंकि अन्य टीम की नजरें भी ईशान पर टिकी हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, निशा कुमारी, सोनू सम्राज, गजेंद्र सिंह, संजय कुमार, कमलेश कुमार, प्रकाश कुमार, समर राज, नरेश कुमार यादव, दिव्यांशु कुमारी, धीरज कुमार, शिव कुमार पटेल, छोटू कुमार, परवेज आलम, गजेंद्र कुमार दास। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह के आईपीएल मेगा ऑक्शन में ईशान किशन के सबसे महंगे खिलाड़ी होने की बात से आप सहमत हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।